Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE non-tech test series, जिसमें आपको maths plus aptitude के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone. So अब हम पढ़ेंगे adjoint and inverse of a matrix. ठीक है? Adjoint and inverse of a matrix में भी first point आप लिखेंगे कि adjoint and inverse of a matrix is only valid for square matrix. जैसे कि हम determinant किसके लिए निकाले थे? Square matrix के लिए निकाले थे. Transpose हम निकाले थे square और non-square दोनों matrix के लिए applicable था. पर determinant, adjoint and inverse is only applicable for स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या लिखेंगे? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स. मतलब कि एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो जो रहेगा वो रहेगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज. ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है, तो अगर मैं सपोज एक मैट्रिक्स लेता हूं ए टू क्रॉस टू, टू क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं. हमेशा की तरह हम क्या लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ये भी टू क्रॉस टू का हो गया. यह तो बेटर है कि मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में लू. ठीक है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, राइट. ये एक मैट्रिक्स है. क्या बोला मैं, एडजॉइंट जो है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट आएगा. तो इस मैट्रिक्स का पहला टास्क क्या रहेगा हमारे पास, कि कोफैक्टर निकाला जाए. तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर अगर मैं निकालूं, तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेल आई जे जो था, डेल आई जे करके एक मैंने टर्म लिखा था एक्सपांशन में, वो क्या था, माइनर था. विथ, अगर माइनर को विथ माइनस साइन अगर मैं लिखूं I और J का, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म होता है ना, ये होता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे. ठीक है, हर एलिमेंट का एक एक कोफैक्टर होगा, उसको निकालेंगे हम, राइट. तो ये चीज मैं डिटरमिनेंट निकाला था, मतलब समझाया था आपको. अब हम एक बार निकाल के देखते हैं इसको. ठीक है, तो ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है. अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो पहले मैं इस मैट्रिक्स, इस एलिमेंट को पकड़ता हूं, ए वन वन को, ए वन वन को पकड़ा. ठीक है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जो टर्म बचेगा उसको बोलेंगे कोफैक्टर, उसको बोलेंगे माइनर. और इस ए वन वन का क्या साइन होगा, माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, क्योंकि आई और जे क्या है, वन है. तो ये किसके इक्वल आया, प्लस वन के, तो यहां पर पॉजिटिव साइन. वैसे ए वन टू का क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के क्या बचा, ए टू वन, और यहां पे क्या हुआ, माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन प्लस टू, दैट इज इक्वल टू माइनस वन. तो यहां पे आ गया माइनस साइन. ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसका निकालूंगा, तो ये क्या आएगा, वह ए वन टू, और ये आएगा ए वन वन. ठीक है, जैसे कि थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या लिखवाया था, कि ऑड पॉइंट्स, वैसे ही आप देख रहे होंगे कि ये भी ऑड पॉइंट्स है. ठीक है, तो यहां पे आपका माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन आ रहा है, यहां पे भी माइनस साइन आ रहा है, यहां पे प्लस साइन आ रहा है, यहां पे प्लस साइन आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या निकला मेरे पास, कोफैक्टर. अगर मुझे एडजॉइंट निकालना होगा, तो एडजॉइंट क्या होगा, मैंने क्या लिखा, ट्रांसपोज. तो पहले मैं कोफैक्टर निकाला, और फिर मैं अब ट्रांसपोज कोफैक्टर निकाला. अब मैं जब एडजॉइंट निकालूंगा, तो वो इक्वल टू होगा
ट्रांसपोज कीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू टू माइनस ए टू वन एंड माइनस ए वन टू एंड ए वन वन। ठीक है, अब यहां पे ना एक मस्त सा हमारे पास की पॉइंट आ रहा है, क्या कि देखिए ए वन वन ए टू टू ए टू टू ए वन वन, मतलब कि क्या, इन दोनों पॉइंट को फॉर अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, फॉर अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स आप क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए, डायरेक्टली इंटरचेंज कर दीजिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए टू वन और ए वन टू उनका बस साइन चेंज कर दीजिए और उनका प्लेस एज इट इज रहने दीजिए। तो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड रिप्लेस द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विथ माइनस साइन। ठीक है, बस माइनस साइन ऐड हुआ और डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर दिए। तो ये था एडजॉइंट निकालने का तरीका। अब ना एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स लिया, अब इसका ना एक एडजॉइंट, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लेता हूं अगर मैं, तो देखिए मैं इसका पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट आएगा। तो अगर मैं ये रो का, मतलब इस रो का कोफैक्टर निकालूं और उसको कॉलम वाइज लिखूं तो डायरेक्टली मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा, करेक्ट है? मतलब कि ये रो का मैं कोफैक्टर निकाला तो ऐसे लिखा था, अगर इस रो का कोफैक्टर निकाल के मैं डायरेक्टली ऐसे कॉलम वाइज लिखता हूं तो डायरेक्टली ट्रांसपोज हो रहा है तो मेरे को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, करेक्ट? एग्री करते हैं ना? तो अगर मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं इसका, तो देखिए वन का निकाला पहले मैं, तो वन के लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ के वन इंटू वन दैट इज वन माइनस फोर माइनस माइनस फोर दैट इज इक्वल टू फाइव। एक बार फिर से वन वन इंटू वन दैट इज वन माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव। फिर टू के लिए, टू के लिए मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं ताकि पहले से ही कोफैक्टर पहले या तो पहले ऐसे लिखूं फिर ट्रांसपोज करूं या तो फिर डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल के ऐसे कॉलम वाइज लिखते जाऊं तो हमको डायरेक्टली एडजॉइंट मिल जाएगा। टू के लिए अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जीरो और ये टू, पर यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि वो ऑड पोजिशन है। वैसे ही माइनस वन के लिए क्या होगा, जीरो वन, इसके लिए निकालेंगे फिर जीरो के लिए, तो जीरो के लिए क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़कर टू माइनस माइनस टू दैट इज जीरो, अगेन वन, फिर वन माइनस सॉरी वन इंटू वन माइनस 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 वन दैट इज टू। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वन वन एंड देन माइनस वन माइनस माइनस वन दैट इज टू। फिर टू के लिए, टू के लिए ये रो और ये कॉलम और ये रो को छोड़ के माइनस टू माइनस 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 फोर। ठीक है, और फिर इसके लिए अगर मैं निकालूं अगेन वन के लिए, इस रो के लिए निकालूं तो वन, इसको इस रो और इस कॉलम को छोड़ के टू टू जा फोर माइनस माइनस फाइव, अगेन माइनस टू के लिए निकालूं तो इस रो इसको हम टू माइनस दैट इज टू, और फिर इसके बाद वन के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ के वन माइनस दैट इज वन। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं यहां पे। हाँ, पर यहां पे देखिए ये क्या है, ऑड पोजीशन है, यहां पे माइनस साइन आएगा और यहां पे ये साइन भी, देखिए यहां पे सिली मिस्टेक हो रहा था कि यहां पे हमारा ऑड पोजीशन को इसलिए पहले से ही मार्क कर लेना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे तो यहां पे भी माइनस साइन था और हमने कैसे निकाला था, यहां पे माइनस फोर को एक और माइनस साइन आएगा इनटू माइनस साइन, तो देखिए ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है माइनस टू इन माइनस माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस फोर इनटू माइनस साइन दैट इज इक्वल टू प्लस फोर। तो ये रहेगा हमारा एडजॉइंट। मैच करेंगे, आप एक बार फिर से खुद से निकालने की कोशिश करेंगे और मैच करेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब
एडजॉइंट निकल गया यहां से ए का, 3x3 का था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर फिर भी हम निकाल लिए, राइट। अब एक चीज करते हैं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं तो आप देखेंगे अपने कॉपी में, आप डिटर्मिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का और देखेंगे कि क्या किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है 10। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 10 के इक्वल, ठीक है, सॉरी इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो आएगा इक्वल टू 10, ठीक है। और जब आप एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब ए का डिटर्मिनेंट आया 10 और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आप जब लेते हैं तो आपको मिलेगा ये क्या कि ये आ रहा है 100। एक बार निकाल के देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 100। और अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने क्या लिखवाया था कि अगर एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, एन क्या है यहां पे 3, तो 3 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 2, तो 10 टू द पावर ये इक्वल टू 2 आ गया ना, देखो। तो मैंने कहा था कि उस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये था पहले हमने, हमारे पास मैट्रिक्स ए था उसका एडजॉइंट लिया मैंने और उस एडजॉइंट का जब मैं डिटर्मिनेंट निकाला तो मेरे पास क्या आया 10 टू द पावर 2, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हुई। अब आपका क्या होमवर्क है पता है, आपका होमवर्क है कि आप निकालेंगे एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, पहले आप इस एडजॉइंट मैंने ऑफ ए निकाल दिया है मैंने, अब आप क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे फिर से और उसके बाद आप निकालेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो आप वेरीफाई करेंगे क्या कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए किया जाता है तो क्या वो इक्वल टू 10 टू द पावर, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 टू द पावर स्क्वायर आता है कि नहीं, मतलब कि यहां इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर 10 टू द पावर -1, दैट इज स्क्वायर टू द पावर वन, हाउ मच स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारे पास 10 टू द पावर -1, ठीक है, तो अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो यहां से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ टू द पावर टू द के टाइम्स, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट अगर हम के टाइम्स लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर के, ठीक है, तो वहां से हमारे पास वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और वहां से हम समझ जाएंगे। अब हमको समझ में आ चुका है कि एडजॉइंट क्या होता है और वो जो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेंट का, वो भी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब ना एक और टास्क करते हैं, इसमें देखते हैं कि देखिए, ठीक है, अब ना इसको मैं क्या करता हूं कि आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने निकाल लिया है। एक बार अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करूं, मतलब कि क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूं, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल करूं, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स भी है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 × rows × column होगा, ठीक है, रो इंटू कॉलम, तो 1 × 5 2 × -2 एंड देन -1 × 1 कितना आया मेरे पास, एक मिनट, क्या हमारे पास एडजॉइंट सही आया है, देखते हैं एक बार कि 2 का ये है 2 का एडजॉइंट कोफैक्टर, ठीक है, 2 के करते हैं इसको छोड़ के इसको करके 1 एंड दिस गोस -2, तो -+, देखिए ये होता है यहाँ पे ऐसे ही होता है, सिली मिस्टेक एग्जाम में प्लस माइनस का खेल के कारण पूरा बिगड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ और ये क्या सही आया है, यहाँ पे भी
इसके लिए देखते हैं, ये वन माइनस दैट इज ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा, तो ये कहाँ से नेगेटिव हो गया। और फिर ये सही है क्या, इसके लिए ये आ रहा है, अच्छा ये हो रहा है माइनस है, ठीक है। अब एक बार चेक करके देखते हैं, फाइव टू 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 जो फोर इन दिस गोज माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाइव टू जो टू टू जो फोर माइनस वन, ये आ रहा है यहाँ पे माइनस, ठीक है। ऐसे ही सिली मिस्टेक होता है प्लस माइनस के कारण, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ऑड पॉइंट्स को लिख लेंगे प्लस माइनस, और याद से धीरे धीरे करेंगे ना सॉल्व तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि क्लास में जब आप ये सब गलतियां करते हैं प्लस माइनस का, तो आप कोई ना कोई स्टूडेंट बोल देता है कि सर वहां पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, पर कैमरा तो ऐसा नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स को आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, यहाँ पे बस वो पेन मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा कि प्लस माइनस के कारण यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है, पर वो सब चीज आप अपने कॉपी में जब आराम से करेंगे तो वो सही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट सही दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5 2 इंटू 4 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ओवरऑल कितना है सम मेरे पास 10। वैसे ही आप क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा आपके पास 0 0 10 0 0, ठीक है, ये आएगा। एक बार चेक करते हैं क्रॉस चेक इस एलिमेंट को, इसको 1 इंटू 0 दैट इज 0 2 टू द 4 एंड दिस कोस माइनस 4 करेक्ट आया। इसको चेक करते हैं, ये 5 दैट इज माइनस 4 एंड अगेन माइनस 1 0 ठीक है, ये करेक्ट आ रहा है। तो अब हमारे पास एडजॉइंट सही है, आई होप आपने, मेरा गलत आया था पर आपने सही निकाला होगा एडजॉइंट को आराम से किए होंगे। तो हमेशा आप ऑड पॉइंट्स को पहले से मार्क कर लेंगे, ऑड पॉइंट्स को मैंने कंसीडर नहीं किया था इसलिए प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस आया था। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं नया, कि अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया मैंने तो मेरे पास ये आया, अगर मैं 10 को कॉमन निकाल लूं मैट्रिक्स से, हर एलिमेंट से, मैंने आपको क्या बताया था डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज में, कि अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और सारे एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर है, तो अगर उस एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर n हो जाएगा, मतलब कि k टू द पावर n होगा, मतलब कि जितना ऑर्डर रहेगा उतना पावर आ जाएगा उस एलिमेंट का। और उसके साथ ये भी पॉइंट मेंशन किया था मैंने कि अगर एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में से कॉमन पॉइंट अगर मैं निकाल रहा हूं, कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं, तो उस मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के केस में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 10 है, ये 10 क्या है, इसके इक्वल है, राइट। और ये क्या है, ये तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपने डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था, डायगनल मैट्रिक्स के अंदर, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, अगर स्केलर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट डायगनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है मेरे पास, क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया मेरे पास, इसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया है कि एडजॉइंट क्या क्या होता है, कोफैक्टर भी निकालना सीख लिया है, एक 3x3 मैट्रिक्स का मैंने आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाया, उसके बाद मैंने उसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाया आपको, और फिर वो प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई किया जो हम पिछले डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट में पढ़ चुके हैं। फिर ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया मैंने, अब देखिए इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो एक ऑब्जर्वेशन आया मेरा, उसी में अगर मैं, अभी तक हम बात कर रहे थे एडजॉइंट का, अब अगर हम बात करें इनवर्स का, इनवर्स का अगर मैं बात करूं तो इनवर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसी प्रॉपर्टी को क्या लिख सकता हूं,
एडजॉइंट का डिटरमिन को इधर ले आया और इसको इधर ले गया, मतलब कि इसको मैं अगर लिखा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसको लिखा आई बाय ए, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट की एक वैल्यू है कांस्टेंट। अब आपको याद था कि जो काम वन का होता है नॉर्मली वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, तो ये क्या है एक्चुअली में वन बाय ए है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे मेरे पास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक ऑब्जर्वेशन आ गया और फॉर्मूला आ गया कि इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय दैट डिटरमिनेंट। मतलब कि जो मैं 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या कि अगर एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी एंड डी है, तो उसका ए इनवर्स कैसे लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, उसका डायरेक्टली ए इनवर्स कैसे लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का क्या बताया था मैं 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट कि आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है डायगोनल एलिमेंट्स को, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया मैं डी और ये हो गया ए और माइनस और साइन चेंज करना है किसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का, तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस सी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट और डिटरमिनेंट क्या होगा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट दैट इज ए डी माइनस बी सी। तो ये आ गया मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स का एक डायरेक्टली शॉर्टकट से इनवर्स, ठीक है। तो ये एक इनवर्स था किसका, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, राइट। नेक्स्ट थिंग आप देख रहे हैं यहां पे कि ये क्या है डिटरमिनेंट, अगर ये डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि नॉर्मल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एक कोई वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो, और आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है, अगर ये जीरो हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म इनफिनाइट हो जाएगा और ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सर्ड। मतलब ही क्या, हमारा जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए, डिटरमिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो मतलब कि क्या, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब कि क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओनली एप्लीकेबल टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दैट टू द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज दैट मैट्रिक्स शुड नॉट बी अ क्या सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होना चाहिए वरना इनवर्स हमारे पास नहीं निकलेगा। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से की पॉइंट में लिखेंगे और ये सब को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन इसके साथ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। इसको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम उस टाइम तक हम एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में नहीं जानते थे, पर अभी तक हम एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर हम निकालना सीख चुके हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है माइनर प्लस दैट साइन, मतलब माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, वो होता है हमारा कोफैक्टर। माइनर के साथ साइन अगर लेंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स गिव्स अस ए इनवर्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एक कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इनटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक हमने देखा था। और ये भी जाना था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओनली एप्लीकेबल टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दैट टू ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि एक एक्स 4x3 का मैट्रिक्स है, 4x3 का मैट्रिक्स है और 2x3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये क्या हो गया 4x3 का ना, नहीं सॉरी 2x3 का है ये, P 2x3 का हो गया, P ट्रांसपोज कितना हुआ 3x2 का बन गया। देखिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एप्लीकेबल होता है पर रोज चेंज हो जाते हैं कॉलम्स में,
तो दो रोज थे, तीन कॉलम्स था, अब ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, वाई क्या है, फोर क्रॉस थ्री, और एक्स ट्रांसपोज, एक्स क्या है, फोर क्रॉस थ्री, पर ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो थ्री क्रॉस फोर का। तो अब देखिए यहां पे फोर और फोर, यहां पे फोर और फोर क्या है, सेम है, फोर और फोर सेम है, मतलब क्या, इन दोनों के इस पूरे टर्म का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्ट आएगा, आप बताइए कि जो रिजल्ट आएगा पहले तो मैंने चेक किया क्या कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दूसरा चीज मैंने क्या चेक किया कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा हमारा, थ्री क्रॉस थ्री का। अब जब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स आ रहा है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स भी जो आएगा वो थ्री क्रॉस थ्री का ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहा। और फिर उसके बाद हमारे पास था थ्री क्रॉस टू, फिर ओवरऑल ट्रांसपोज। तो यहां पर अब बस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये देखिए यहां पर ये सेम है, तो मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा टू क्रॉस थ्री का, ये दोनों सेम है, आउटपुट जो आएगा वो टू क्रॉस थ्री का रहेगा। फिर टू क्रॉस थ्री के बाद जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके लिए ये दोनों सेम है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, और जो आउटपुट आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा हमारे पास ओवरऑल टू क्रॉस टू का। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स आया टू क्रॉस टू का आएगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर भी कितना आएगा, टू क्रॉस टू ही आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी टू क्रॉस टू, तो मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, टू क्रॉस टू। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जो गेट में आया हुआ है, ठीक है, कि जिसमें आपको ऑर्डर चेक करना था बस, और देखते हैं आंसर ट्रांसपोज और इनवर्स के कारण ऑर्डर में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड टू बूस्ट योर गेट प्रिपरेशन एनरोल इन अवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक डिस्प्लेड ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक डिस्प्लेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, सी या।